हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। अगर आप चाहते हो कि इस बार आपके विंटर गार्डन में अलग अलग कलर्स के फ्लावर रहें और वो फ्लावर्स काफ़ी दिन तक प्लांट्स में टिके रहें, तो इस बार आप ग्लैडोलस लगाइए। ये कई वैरायटीज़ में और कलर्स में आते हैं। वैरायटीज़ डिपेंड करती है फ्लावर्स के साइज पर और शेड्स पर। ये मिनिएचर से लेकर के जायंट तक के इनके साइज़ रहते हैं। इनमें बहुत सुंदर सुंदर कलर्स आते हैं, जैसे कि रेड है, मैरून है, येलो, वाइट, ऑरेंज, पर्पल आदि। इसमें शेड्स भी बहुत आते हैं, जैसे कि रेड के संग येलो का शेड, वाइट के संग ब्लू का, और सभी शेड्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। विंटर आ रहे हैं, इनका फ्लावरिंग का टाइम भी शुरू हो जाएगा दिसंबर से लेकर के मार्च तक का। इनको अभी लगाना ठीक रहेगा। अगर आपने इन बल्ब्स को नहीं ख़रीदा है तो ख़रीद लीजिए, और ख़रीदने पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। बल्ब जब भी ख़रीदें तो हमेशा बड़े साइज़ के लें। जितने भी बल्ब्स हैं उनमें से बड़े साइज़ को सेलेक्ट करके लें। देख लें कि उनमें से कहीं पर भी कटे फटे का निशान ना रहें। यद्यपि गार्डनर कहते हैं कि काटने फटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको बात को आप ध्यान ना दें और अच्छी बल्ब को लें, क्योंकि कई बार बल्ब जो है वो सॉइल में जा कर के सड़ भी सकती हैं। हाथ से दबा कर देखें, कहीं वो दब तो नहीं रही हैं। जो बल्ब सॉलिड हो, यानी थोड़ी सी कड़ी सी महसूस हो, वही आप लें, क्योंकि वही ठीक रहती है। सॉफ्ट सी, सॉगी सी जो है अक्सर ख़राब हो जाती है। इन बल्ब्स में से मेरी एक जो है वो पिछले साल की है, वो कुछ ख़राब सी मुझे महसूस हो रही है। फ्रेंड्स, इनके जो ऊपर का पोर्शन है वो प्लांट में हमेशा वो सॉइल के ऊपर रहेगा, और जहाँ पर हल्की सी रूट सी रहती हो वो नीचे का पोर्शन है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर रूट रहे, कई बार नहीं भी रहती है। ये हमें एक बल्ब जो है ये 15 रुपीज़ में मिली है। हो सकता है और जगह रेट में थोड़ा सा अंतर रहे, क्योंकि जो वैराइटीज़ हैं उसके हिसाब से अंतर भी रहता है। वैसे आप इनको एक बार ख़रीद लोगे तो ये हमेशा आपके पास रहेंगी और ये मल्टीप्लाई भी होती रहेंगी। लेकिन फ्लावरिंग जो है वे केवल विंटर आने पर ही करेंगी, यानी कि दिसंबर से लेकर के मार्च तक। फ्रेंड्स, ये तो हमने आपको बल्ब के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे लगाना चाहिए और उसकी थोड़ी केयर इंस्ट्रक्शंस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पर क्लिक करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। फिर हम आपके साथ मिलेंगे नई जानकारी के संग। तब तक के लिए गुड बाय।